नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए एपिसोड में। आज है तारीख 27 दिसंबर 2019। पिछले काफ़ी दिनों से आप लोगों की कमेंट आ रही थी कि आप अपने सऊदी अरेबिया के घर का टूर दीजिए। तो मैं फ़िलहाल सऊदी अरेबिया में पिछले 5 सालों से रहता हूँ और आज इस वीडियो में जो मैं हाउस का टूर देने वाला हूँ, ये हमारा तीसरा घर है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो फिलहाल आप व्यू देख रहे हो, ये मेरे घर का बाहर का है और यहीं से 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे बीच भी है। तो आइए चलते हैं घर के अंदर। अभी जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये हमारा घर है और घर में जाने के लिए 2 रास्ते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। एक तो है ये मेन एंट्रेंस और दूसरा है ये आप पार्किंग को खोल के भी अंदर जा सकते हो। हम जाएंगे मेन डोर से। ये पिछले महीने दिवाली थी तो कुछ रंगोली बनाई थी। हम लोग गुजराती है तो दरवाजे पे तोरण भी लगाया है। आइए, फिलहाल हम आ गए घर के अंदर। मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ और फिलहाल अमीषा ने कैमरा होल्ड किया है और मैं आपको टूर दे रहा हूँ। फिलहाल हम थोड़ा वॉकवे से सीधा आ गए हैं ड्राइंग कम डाइनिंग रूम में। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो, 9 सीटर का सोफा सेट है। अमीषा जरा नजदीक आओ। यहाँ पे साइड टेबल है जिसपे कुछ कोच की ट्रॉफियां रखी है। इस तरफ टीवी टेबल पे सैमसंग का एक टीवी है। यहाँ पे सैमसंग और सोनी ज्यादा चलता है। यहाँ पे भी साइड टेबल पे कुछ ट्रॉफियां लगी है। ये कुछ ज्यादा चेस और बैडमिंटन खेलता है तो उसकी सब ट्रॉफी है। यहाँ पे कुछ हमारी पुरानी तस्वीरें हैं। ये गुजरात में जो अंबाजी है वहाँ की तस्वीर है। ये दुबई डेजर्ट सफारी की तस्वीर है। ये बहरीन की है। तो इस प्रकार से कुछ तस्वीर लगाई है। और ये जो फोटो फ्रेम है, ये हमने इकिया से ली है। वो यहाँ पे बहुत बड़ा फर्नीचर का रूम है। फिलहाल इंडिया में भी शायद इकिया की ब्रांच खुल गई है। आओ इस तरफ, ये सेंटर टेबल है बीच में। इस तरफ भी कुछ फोटो फ्रेम लगाई है, पुरानी सब फोटो। और इस तरफ है ये डाइनिंग एरिया। यहाँ पे 8 सीटर का डाइनिंग टेबल है। हम लोग तो 3 ही है लेकिन अगर गेस्ट आए तो ज्यादा यूज में आता है। और इस तरफ है ये एक फ्लोर लैम्प। ये मनीवेल है, पूरे घर में फैलाई हुई है जो आप देख सकते हो। और इस तरफ है ये मेरी माताजी का फोटो। यहाँ पे की स्टैंड है जहाँ पे सब चाबी रखते हैं। तो आइए अब चलते हैं बैकयार्ड में। तो यहाँ पे ये पूरा ग्लास की वॉल है, उसको स्लाइड करके सीधे हम आ गए हैं बैकयार्ड में। बैकयार्ड में ये जो लॉन है वो ज़्यादा अच्छी तरह मेंटेन नहीं हुई है। छोटी सी जगह है और काफ़ी अच्छी है। और बैकयार्ड से बाहर भी हम जा सकते हैं। तो आइए वहाँ का मैं व्यू दिखाता हूँ, वो बहुत बढ़िया है। वहाँ पे मैंने 1-2 वीडियो शूट की थी तो लोगों ने बोला था कि ये सऊदी अरेबिया का सीन ही नहीं है, मतलब ये जो लोकेशन है वो सऊदी अरेबिया का नहीं है, लेकिन ये सऊदी अरेबिया का ही है। तो यहाँ पे ये लोकेशन है, अमीषा पूरा वीडियो घुमा के आपको दिखाएगी। ये देखिए बहुत बढ़िया है। और यहाँ से बीच, जैसा मैंने आपको पहले बताया, 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। उसका जो व्यू है मैं YouTube स्टोरी में डाल दूंगा, तो वहाँ पे देख सकते हो। तो आइए अगेन जाते हैं घर के अंदर। आओ अमीषा, मैं दरवाज़ा बैकयार्ड का बंद कर देता हूँ। ये कपड़े सुखाने का स्टैंड है लेकिन बहुत कम यूज होता है। क्यों कम यूज होता है मैं आगे बताता हूँ आपको। फिलहाल हम वापस आ गए हैं घर के अंदर।
और यहाँ पे एक बाथरूम भी है। तो यहाँ पे एक वॉश बेसिन है, ग्लास मिरर, और यहाँ पे एक टॉयलेट। यहाँ पे जितने भी बाथरूम है उसके जो वॉश बेसिन है उसमें गर्म और ठंडा दोनों तरह का पानी आता है। और अभी ये ड्राइंग कम डाइनिंग हॉल का टूर खत्म होता है, अब जाएंगे किचन में, लेकिन उसका टूर देगी अमीषा। तो कैमरा मैं मेरे हाथ में ले लेता हूँ और अभी टूर देगी अमीषा किचन का। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। देखो यहाँ पे ये एक स्टोव है, उसमें ये चार फोर प्रकार का बर्नर होता है, ऊपर चिमनी भी है, और यहाँ नीचे ही ऐसा है ओवन माइक्रोवेव दिया हुआ है, जो आप अपने हिसाब से कुछ भी बेक कर सकते हो, ज्यादा कुछ रखना हो तो भी रख सकते हो। और मेन चीज है यहाँ पे ये जो स्टोव है वो इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड होता है, तो सेफ्टी के दृष्टि से ये ज्यादा अच्छा होता है गैस के मुकाबले। यहाँ से ऑफ और ऑन का बटन दिया हुआ होता है, और ये पूरा ऐसा कपबोर्ड भी दिया है, आप कुछ भी रखना चाहो तो रख सकते हो ऊपर। मैंने यहाँ साको से लिया था, जो छोटी छोटी ये जार है उसमें आप कुछ भी रख सकते हो ऐसे। और ये भी मैंने छोटा ओवन है जो मैंने बाय किया हुआ था, आप कुछ भी गर्म कर सकते हो उसमें। और ये जो है वाटर डिस्पेंसर, अभी लास्ट वीक ही लिया है तो ये मुझे काफी अच्छा लगा। देखो आप ऐसे, और ये बंद हो गया। अभी मुझे पता नहीं ये ऐसा इंडिया में मिलता है कि नहीं, शायद मिलता होगा। और ये एक डिशवॉशर है जिसमें आप बर्तन थोड़ा साफ करके अंदर रखना पड़ता है, फिर पूरा क्लीन हो जाता है और ड्राई भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ इंडिया की तरह हमारे वहां जो चौकड़ी होती है वो होता नहीं है। ये किचन सिंक जो दिया हुआ है उसमें ही हम बर्तन धो सकते हैं, ज्यादा बर्तन होते हैं इसमें भी डाल सकते हो। और यहाँ भी वही ऑप्शन है सेम, यहाँ हॉट वाटर भी आता है और कोल्ड वाटर भी आता है, तो आप कुछ भी अच्छी तरह पानी, हॉट पानी हो तो हम धो सकते हैं। और ये पीने के लिए है जो रसोई के लिए हम यूज कर सकते हैं। और यहाँ हाँ ये बड़ा फ्रिज भी दिया हुआ है तो हम ज्यादातर स्टोर कर सकते हो, और ये एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस भी है, तो इसमें हम ज्यादा कुछ भी मतलब जो भी स्टोर करना चाहे कर सकते हो। और अभी जो रूम है वो ब्रेकफास्ट रूम है, लेकिन फिलहाल हम यूज करते हैं कुछ की स्टडी रूम के लिए। हाय कुस, हाउ आर यू। तो इस प्रकार से उसका ये स्टडी टेबल है। यहाँ पे ये एक लैपटॉप है, लैपटॉप तो मैं ज्यादा यूज नहीं करता, वही यूज करता है। प्रिंटर है, और ये एक फोर सीटर का ब्रेकफास्ट टेबल है, और उसके पीछे एक थ्री सीटर का सोफा है, और यहाँ से सेम बाहर का व्यू आता है जो हमने पहले दिखा। और यहाँ पे ये वॉशिंग स्पेस है, तो एक है वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक सैमसंग, और यहाँ पे ये ड्रायर भी ज़्यादा यूज होता है, तो ड्रायर में आप कपड़े डालोगे तो अपने आप सूख जाते हैं। ये कुछ जी कंपनी का है, इसीलिए मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे ये जो स्टैंड है कपड़े सुखाने का वो कम यूज होता है। तो इस प्रकार से ये पूरे नीचे के एरिया का टूर खत्म होता है। और हाँ, ये एक चीज रह गई, यहाँ पे एक छोटा सा स्टोर रूम भी है। हमने फिलहाल स्टोर रूम में कुछ बैग और ठंडी के कपड़े रखे हुए हैं। सभी लोगों के बेडरूम ऊपर है, तो आइए चलते हैं ऊपर। यहाँ पे इस प्रकार से सीढ़ियों पे कारपेट है, तो झाड़ू पोछा करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन वैक्यूम क्लीनर करना पड़ता है। और नीचे जो है वो कारपेट नहीं है, नॉर्मल टाइल्स है। आइए ऊपर आइए। तो सबसे पहले इस तरफ है अमीषा और मेरा बेडरूम, बेड इस तरफ है और दो साइड टेबल है। यहाँ पे ये एक ड्रेसिंग टेबल है, और यहाँ पे एक बाथरूम है।
ये है वॉश बेसिन और इस तरफ है ये नहाने के लिए शावर के लिए। तो ये बाथटब है और ऊपर शावर भी है और यहाँ पे टॉयलेट। और आइए मैं दिखाता हूँ बेडरूम से व्यू कैसा आता है। बहुत बढ़िया व्यू आता है। लाओ मीसा मेरे को कैमरा दे दो। ये देखिए बाहर से जो पूरा बैकयार्ड है उसका व्यू आता है। यहाँ पे कुछ कबर्ड इस प्रकार से होते हैं तो लॉक बॉक्स तो कुछ है नहीं, डायरेक्ट सीधे यहाँ इस तरह हैंगर दिया है तो हैंगर में हमको ऐसे लगाना पड़ता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट कुछ कारण। इस तरफ है कुस्का रूम, इसके लिए एक छोटा सा बेड है, एक साइड टेबल, नाइट लैंप और इस साइड भी दोनों साइड कबाट है। और इसके बेडरूम से भी सेम व्यू आता है जो हमारे बेडरूम से आता था। और यहाँ पे एक चेयर है। इसके अलावा एक और गेस्ट रूम है तो वो देखते हैं। यहाँ पे ये एक गेस्ट रूम है, एक बेड है, साइड टेबल, लैंप और कबर्ड, एक चेयर। और यहाँ से जो व्यू आता है वो बाहर के पार्किंग और रोड का आता है। ये गेस्ट रूम नॉर्मली जब मेरे पापा या अमीषा की मदर आती है तब यूज में आता है। और यहाँ पे ये एक बाथरूम भी है। आइए तो इस प्रकार से ये बाथरूम का साइज काफी बड़ा है। यहाँ पे ये वॉश बेसिन है, शावर और एक टॉयलेट। ये बाथरूम की साइज थोड़ी बड़ी है। आइए ऊपर एक और स्टोर रूम भी है। नॉर्मली ये कुछ यूज करता है और जो गेस्ट आता है वो भी बाजू में ही है इसलिए ये यूज कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं यहाँ पे एक अगेन स्टोर रूम भी है। तो आइए देखते हैं, ये कुछ बैग पड़ी है और कुछ फालतू सामान है। तो इस प्रकार से ये एक स्टोर रूम है। यहाँ भी एक कबर्ड दिया हुआ है। आइए अभी हम वापस नीचे जाएंगे और गैरेज का टूर दूंगा। आइए तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आप मेन डोर से भी आ सकते हो और गैरेज से भी आ सकते हो। तो हम घर में अब लेंगे एंट्री गैरेज से। आइए फिलहाल हम जा रहे हैं घर के बाहर। ये अभी गैरेज को खोल देंगे। अंदर पड़ी है ये मेरी कोरोला, ये है अमीषा का स्कूटर। आओ अमीषा जरा ध्यान से। ये है साइकिल उसके लिए और ये चेयर यहाँ पे रखी है, शूज बूज पहनना हो तो आसानी रहे इसके लिए। और यहाँ पे है ये गैरेज में ही है ये शूज स्टैंड और ये सब पुरानी साइकिल है। ये जो पूरे घर में गर्म पानी आता है तो उसके लिए ये हीटर है सभी वॉश बेसिनों में गर्म पानी और बाथरूम के लिए। ये कुछ का स्कूटर है और इस तरह से ये पूरा पार्किंग स्पेस है। और जो एसी का यूनिट है घर के लिए और पूरे घर के लिए जो एसी का यूनिट है वो यहाँ पे है। इस प्रकार से ब्लोअर है अंदर। और जैसे ही हम गाड़ी पार्क करके इस तरह से इस डोर से घर में भी आ सकते हैं डायरेक्ट। तो गाड़ी यहाँ पे पार्क की और ये वापिस आ गए घर के अंदर। बंद कर देता हूँ अंदर। तो इस प्रकार से ये है
पूरे घर का टूर। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और नए मेहमानों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और किसी फ्राइडे को रात को 8 बजे। तब तक खाइए पीजिए, घूमिए फिरिए और जीवन का आनंद लीजिए, क्योंकि जिंदगी न मिलेगी दोबारा। आओ जो, गुड बाय।